धौलपुर जिले के सहारा कंपनी के कर्मचारी एवं उपभोक्ताओं ने सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एवं स्टार्ट मल्टीपर्पज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं एसपी केशव सिंह शेखावत को शिकायत पत्र सौंपा है। शिकायत पत्र के माध्यम से सहारा कंपनी के कर्मचारी एवं उपभोक्ताओं ने पिछले लंबे समय से जमा धन को रिफंड कराने की मांग की। लोगों का करोड़ों रुपए सहारा कंपनी में जमा है, जिसे लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। कलेक्टर एवं एसपी को शिकायत पत्र देने पहुंचे दो दर्जन से अधिक सहारा कंपनी के कर्मचारी एवं धन जमाकर्ताओं ने बताया है कि उन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बचत कर सहारा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एवं स्टार्ट्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में धन को जमा करवाया था। कंपनी के कर्मचारी एवं आमजन ने फिक्स डिपॉजिट कर ब्याज के लालच में धन को जमा कराया था। उन्होंने बताया, धन जमा करने के बाद करीब दो वर्ष में मैच्योरिटी पूर्ण होने पर भी कंपनी द्वारा जमाकर्ताओं को धन रिफंड नहीं किया जा रहा है। तत्कालीन समय में जिला एवं ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित कंपनी के मैनेजर ने धन दोगुना करने का लालच देकर फिक्स डिपॉजिट कराया था। शिकायत पत्र में बताया, धन जमाकर्ताओं ने फॉर्म में भी कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है, लेकिन प्रशासन द्वारा आरोपी सहारा कंपनी और उसके कर्मचारियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोगों ने कलेक्टर एमएसपी को शिकायत पत्र पेश कर सहारा कंपनी में धन रिफंड कराने के साथ दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मैं विवेक जैन सहारा इंडिया से पीड़ित कार्यकर्ता जमा करता हूँ। सहारा इंडिया द्वारा विगत दो तीन वर्षों से मेरा भुगतान नहीं किया जा रहा है, ना मेरे जमा द्वारा जो खाते खोले गए जमाकर्ताओं के, उनका भी दो तीन सालों से भुगतान नहीं किया। आए दिन जमाकर्ता हमारे घर आके परेशान करते हैं, गाली गलौज बदतमीजी करते हैं। हमने इसके लिए दो बार कलेक्टर साहब और एसपी साहब को ज्ञापन भी दे चुके हैं पूर्व में। आज फिर हम कलेक्टर साहब एसपी साहब को ज्ञापन देने उनके खिलाफ मुकदमा सहारा इंडिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग करने आए हैं। जहाँ जहाँ मुकदमा दर्ज हुए हैं वहाँ वहाँ सहारा इंडिया द्वारा भुगतान रेगुलर किया जा रहा है और उनका भुगतान हो रहा है, लेकिन हमारे यहाँ कोई भुगतान नहीं हो रहा है। इसलिए निवेदन है एसपी साहब से कर रहे हैं कि हमारा भुगतान जल्द से जल्द कराने की कृपा करें। मैं राजेश कुमार, सहारा इंडिया सेक्टर कार्यालय धौलपुर से। हम आज मिलकर के हमने धौलपुर में जिला कलेक्टर एवं माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के नाम से ज्ञापन दिया है। हमारे विगत चार पाँच वर्ष से भुगतान नहीं हो रहे हैं और भुगतानों को लेकर के हमने माननीय जैसा उपभोक्ता मंच में मुकदमा दर्ज कराए थे, उनके जो है फैसले आने के बाद भी कोर्ट की अवमानना के आने के बाद भी जो है भुगतान नहीं कर रही है सहारा इंडिया। और उसके बाद हमने जो है सहकारिता विभाग नई दिल्ली में भी कई बार शिकायतें दर्ज कराई हैं, उसके बाद भी कोई भी भुगतान नहीं हो रहे हैं। और इसे लेकर के हमने कई बार माननीय जिला कलेक्टर महोदय से मिले हैं, लेकिन ना ही कोई कार्रवाई हो रही है। इस बार हम माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास अपनी गुजारिश लेके आए हुए हैं सभी लोग कि इनके खिलाफ मुकदमे किए जाएं। हमारे जितने सहारा इंडिया के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ, उच्च अधिकारी जिनके खिलाफ मुकदमे हुए हैं, जिस जिस ब्रांच से मुकदमे हुए हैं वहां पर भुगतान नियमित रूप से हुए हैं। इसलिए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय से हमारी गुजारिश रहेगी कि इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए जाएं, ताकि हमारे भुगतान जो है शीघ्र से शीघ्र हों और इन कार्यकर्ताओं का भला हो सके। जमाकर्ता कार्यकर्ता सभी परेशान हैं, कहीं किसी की बच्ची की शादी है तो कभी किसी के बीमार हैं, कोई भी जो है सुनने वाला नहीं है। ब्रांचों